हम भी आगे पूछते पूछते कि चलिए भाई पूछ लिया जाए, चुनाव हो गया, चुनाव लड़ाई हो गई, एक बार फिर निराशा हाथ है। लेकिन अभी भी ये उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनका चुनाव लड़ने कोई जाता है तो जीत के उद्देश्य, आखिर कमी कहाँ रह गई? दिनेश, सबसे पहले तो देश की देवतुल्य जनता का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से सरकार चलाने, देशवासियों की सेवा करने का अवसर दिया, इसके लिए देशवासियों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। रायबरेली में भी भारतीय जनता पार्टी को लगभग 3 लाख वोट रायबरेली वासियों ने दिया, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय गृहमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सबने रायबरेली में प्रयास किया कि रायबरेली में कमल खिले। कतिपय कारणों से सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं कह सकता हूं जिनको सफलता मिली और जो इस अहंकार में है कि मैं जीता हूं, रायबरेली की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी के वोटों की बदौलत रायबरेली से राहुल गांधी सांसद नहीं बने हैं। रायबरेली में ना उनकी जमीन थी, ना उनकी फसल थी, ना उनकी मां की फसल थी, ना नेहरू गांधी खानदान की फसल थी। फसल समाजवादी पार्टी की थी, जिसको काट करके वो अपने को सांसद कह रहे हैं। संवैधानिक रूप से सांसद हैं, भी हमारे भी सांसद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2022 के चुनाव में विधानसभाओं में पांचों विधानसभा का मिला करके 3,99,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। अगर राहुल गांधी जी के 2024 के परिणाम से 3,99,000 हटा दिए जाएं, तो राहुल गांधी जी को खुद अंदाज होगा कि वो पंजा की बदौलत एमपी नहीं बने हैं, दूसरे की बैसाखी पे एमपी बने हैं। अगर अपनी मेहनत परिश्रम से उगाई गई फसल को काट करके एमपी बने होते तो अंदाज होता, लेकिन मैं अपनी पार्टी की मेहनत, अपने नेतृत्व की मेहनत, अपनी मेहनत की बदौलत कह सकता हूं कि मुझे 3,00,000 वोट मिले हैं। और अगर समाजवादी पार्टी के वोटों को राहुल गांधी के स्कोर से हटा दिया जाए तो दिनेश सिंह अब भी राहुल गांधी पर भारी हैं। रायबरेली की जनता ने कम वोट दिया होगा, मैं मान सकता हूं, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि जिसको ये कहा जा सके कि हम राहुल गांधी से पराजित हुए। राहुल गांधी संयुक्त दलों के प्रत्याशी थे, इसके कारण उनकी जीत हुई है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं राहुल जी को कि वो रायबरेली वासियों की, रायबरेली की जनता की आशा के अनुरूप रायबरेली में सेवा करें। और रायबरेली का होने के नाते जब भी कोई अच्छा काम राहुल गांधी जी रायबरेली में करने आएंगे, दिनेश सिंह सकारात्मक सहयोग भी उनका देंगे। दिनेश जी, आखिर एक बात तो होती है, जीत तो आपसे जीत होती है, चूक कहां से हो गई? क्योंकि 54,000 से ज्यादा कार्यकर्ता आपकी डायरी पे थे, पन्ना प्रमुख से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक की निगरानी में था, फिर चूक क्यों? लोग कहते हैं कि छत्रपों का विरोध रहा होगा या छत्रप खुल के आए नहीं, ऊंचे हार के विधायक को मनाने के लिए खुद अमित शाह आते हैं, शामिल कराने अमित शाह आते हैं, और वहां से भी कांग्रेस की लीड बड़ी है, क्या लगता है? फिर आपने कही कांग्रेस की लीड बड़ी है, इसको बार बार साफ कर रहा हूं कि कांग्रेस की लीड है ही नहीं है। लीड कहां है? कांग्रेस के वोटों पर भारतीय जनता पार्टी का वोट अब भी भारी है। अगर लीड उनकी हो सकती है तो समाजवादी पार्टी की लीड है, कांग्रेस की लीड भारी नहीं हो सकती। ना राहुल गांधी की सेवाएं भारी हैं, ना राहुल गांधी के काम भारी है, ना राहुल गांधी की जीत भारी है। भारी है तो समाजवादी पार्टी की वोट भारी है, मैं मान सकता हूं किसी दूसरे की बैसाखी पर चढ़ करके और वो चल के सांसद बन गए, ये मैं मान सकता हूं। रही बात कहां कमी रह गई, कमी वातावरण में थी, अकेले रायबरेली में नहीं थी, रायबरेली अमेठी में नहीं थी, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में थी। तो जो भ्रम फैलाया गया उत्तर प्रदेश के भीतर, मैं समझता हूं उसमें विपक्षी लोगों को सफलता मिली है। अभी हमारे मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, हम लोग मिलकर के जो भ्रम पैदा किया गया होगा विपक्ष के द्वारा, जो भ्रम पैदा किया गया होगा उस भ्रम को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। अभी चुनाव बीता है, भ्रम पूरी तौर पे स्पष्ट जरूर हो जाएंगे 2-4-6 दिन में 8 दिन में। हम लोग उस पर भी जानकारी करेंगे कौन कौन से ऐसे भ्रम थे जिनके कारण जनता भ्रमित होकर के और समाजवादी पार्टी के साथ गई,
तो मैं कोशिश करूंगा कि उन भ्रमों को जान करके और उनको हम भारत की सरकार और यूपी की सरकार मिलकर के जनता के भरोसे को फिर से कायम करने का प्रयास करेंगे। लोग बता रहे हैं लंबे अवकाश पे आप जाना चाह रहे हैं, थक गए हैं, आराम करना चाह रहे हैं। जिसने भी ये कहा गलत कहा। मैंने स्पष्ट कहा कि 2019 से 2024 तक हमने बिना थके बिना रुके रायबरेली वासियों की सेवा की थी। इस सेवा काल खंड में हमने अपने पारिवारिक दायित्वों को बहुत पीछे छोड़ दिया। हम पांच भाई हैं, पांच भाइयों के बीच में बेटे और बेटियों की शादी लंबित हैं। अगर मैं प्रत्येक वर्ष दो तीन शादी करूं तो भी 5 साल लग जाएंगे। ऐसे में मैं अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी करना चाहता हूं, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। मैं चाहता हूं कि अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कर सकूं सामाजिक दायित्वों के साथ साथ। जिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके मुझे 3 लाख वोट दिलाया है अथवा जो 3 लाख देवतुल्य जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, इनके जिम्मेदारी सदैव दिनेश सिंह के कंधों पर रहेगी। उनके लिए मैं कभी छुट्टी पर नहीं जाऊंगा।